अगर आपने कभी भी सब स्टेशन विजिट करा होगा तो आपने इस तरीके के स्ट्रक्चर देखे होंगे, बहुत कॉमन होते हैं किसी भी सब स्टेशन, या आपने किसी भी पावर स्टेशन या ग्रिड गए होंगे तो इस तरीके की चीज़ें आपने देखी होंगी। ठीक है, तो आज हम लोग इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। दीज आर व्हाट वी कॉल्ड सर्किट ब्रेकर। तो आज हम लोग बात करेंगे सर्किट ब्रेकर कितने तरीके के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जानेंगे इन सब के बारे में, इन सब की जो प्रोसेसिंग है कि मतलब फॉर एग्जांपल जो भी टाइप्स हैं सर्किट ब्रेकर के, इनकी फर्दर डिटेलिंग जो है वो हम लोग सुजी एंड प्रोटेक्शन सीरीज के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो सर्किट ब्रेकर बेसिकली एक मैकेनिकल स्विच होता है, मैकेनिकल स्विच डिवाइस होता है जिसका काम होता है सर्किट को मेक करना, ब्रेक करना या कैरी करना। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो जैसे फॉर एग्जांपल घर के अंदर स्विच लगा होता है ना ऑन ऑफ करने के लिए, हम जिसको ऑन ऑफ कहते हैं नॉर्मली, जो टक 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 ऑन ऑफ करते हैं, वो सर्किट ब्रेकर ही होता है। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इस तरीके का स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमें करंट को अलाउ करना होता है तो हम इसको इस तरीके से कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड मेक। ठीक है, कि मतलब सर्किट को कंप्लीट करना। वहीं पे अगर मान के चलते हैं इसके अंदर सर्किट आपने बना दिया है, मेक कर दिया है और करंट फ्लो कर रही है, इसको कहेंगे कैरी करना। ठीक है, सो दिस वन इज़ नोन एज कैरिंग। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ द ब्रेक, मतलब कि जब हम लोग इसको स्विच को ओपन करेंगे, यानी कि एक सर्किट जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है उसको इंटरप्ट करेंगे, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रेक। ठीक है, तो ये तीनों क्वालिटी जो है आपके सर्किट ब्रेकर में होती है। तो सर्किट ब्रेकर कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई अलग सी चीज़ नहीं होती है। जैसे घर के अंदर जो स्विच है ये भी आपका सर्किट ब्रेकर है। इसके अंदर हम लोग जो मेन खास बात होती है, क्योंकि बहुत ही कम वोल्टेज और करंट का हम लोग डील कर रहे होते हैं, तो सिंपली प्लास्टिक को जब हम वाया एयर इंसुलेटर, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये स्विच जा रहा था, बहुत ध्यान से समझना, अब इसको तुम्हें ओपन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच को इस तरीके से ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये ओपन कैसे हो गया, तो ओपन करने का मतलब हो गया यहाँ पे हमने एयर को इंसर्ट कर दिया। एयर विल एक्ट एज अ इन्फाइनाइट ऑफर इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब क्लोज टू इन्फाइनाइट या बहुत ही हाई रेजिस्टेंस ऑफर करती है। और छोटे एम्पेयर का जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो वहाँ इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती, एयर जो होती है सफिशिएंट होती है इसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का सिंपल ऑपरेशन घरों में परफॉर्म करते हैं। पर जब हम लोग बात करते हैं ना पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम भैया बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पे किलो एम्पेयर में करंट होता है, वोल्टेज होते हैं किलो वोल्ट में, तो इसलिए इतने हाई पावर और हाई करंट और हाई वोल्टेज को ब्रेक, मेक और कैरी करने के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है और वो स्पेशलाइज्ड डिवाइस ही हमारा सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो कोई अगर तुमसे कहता है घर में सर्किट ब्रेकर है, हाँ भैया घर में भी सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर तो सारे स्विच तुम्हारे क्या है, सर्किट ब्रेकर ही तो हैं जो स्विच कर रहे हो। ठीक है, लेकिन वहाँ पे केवल छोटी सी एयर गैप से काम चल जाता है। देखो घर के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अगर आपने देखा होगा तो स्विच अगर ऑन है तो ऐसे होता है, सॉरी ऐसे होता है, और ऑफ है तो मान के चलते हैं इस तरीके से हो गया। तो मान के चलते हैं ये सर्किट जा रहा है ऐसे, तो देखो इतना सा एयर गैप सफिशिएंट होता है नॉर्मली घर के अंदर करंट को ब्रेक करने के लिए। लेकिन जब पावर सिस्टम में जाओगे तो ये जो छोटा सा एयर गैप है ये ईजिली आर्क के द्वारा भरा जा सकता है, स्पार्किंग हो जाएगी, करंट जंप कर जाएंगे। तो इसलिए बड़े बड़े पावर सिस्टम में या जब हम मेन सप्लाई आ रही होती है तो वहाँ पर हम लोग नॉर्मल सर्किट ब्रेकर, नॉर्मल स्विच नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है इस तरीके के सर्किट ब्रेकर, एक सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन की। ठीक है, तो पहले मतलब समझ में आ गया होगा। नाउ सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर में अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। इसको आइसोलेटर जो है ये और सर्किट ब्रेकर ये दोनों काफ़ी हद तक डिफर होते हैं। आने वाले समय में आइसोलेटर में कवर करूंगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बढ़िया लंबा लेक्चर मैंने तैयार करा आइसोलेटर के ऊपर, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में क्या अंतर होता है, तो आइसोलेटर जो होते हैं वो स्विचिंग पार्ट का काम करते हैं, यानी कि वो केवल आपके सर्किट में स्विचिंग कर सकते हैं। लेकिन सर्किट ब्रेकर क्या होता है, उसके अंदर स्विचिंग प्लस आर्क क्वेंचिंग की फैसिलिटी होती है। समझ में आ रही बात है, यानी कि देखो इस बात को समझो, मान के चलते हैं तुमने ये नॉर्मली लाइन जा रही है। ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर करंट फ्लो कर रहा है तो तुम इसे अगर ओपन करोगे इस तरीके से तो यहाँ पर क्या होगा, आर्किंग होगी, क्योंकि इतना हाई करंट था। तो वही जब तुम उस करंट को इंटरप्ट करोगे तो करंट क्या करेगा, अपनी फ्लो को, अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे होती आर्किंग। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड आर्क। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाए तो ये आर्किंग को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस आर्क को ख़त्म करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इंसुलेशंस की, प्रॉपर इंसुलेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे आर्क क्वेंचिंग, दिस प्रोसेस नोन एज आर्क को ख़त्म करने को कहते हैं आर्क क्वेंचिंग। बहुत एक एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब समझते चलो, आर्क क्वेंचिंग। ठीक है, तो आर्क क्वेंचिंग का मतलब हो गया आर्क को ख़त्म करना। तो आर्क क्वेंचिंग के लिए ये जो स्पेशल फैसिलिटी है ये केवल सर्किट ब्रेकर में मौजूद होती है और आइसोलेटर में नहीं होती है। आइसोलेटर में केवल स्विचिंग। ठीक है, इसीलिए आइसोलेटर क्या होता है, आइसोलेटर तब काम करते हैं जब सर्किट ब्रेकर का काम हो चुका होता है, सर्किट ओपन हो चुका होता है। इसको ऐसे ही समझ सकते हो, इसको मैंने पिछले वाले स्लाइड में बताया था। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास वॉशिंग मशीन है। ठीक है, वॉशिंग मशीन को तुम्हें रिपेयर करना है तो उसका ये सॉकेट लगा होगा और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन होगा। ठीक है, ऑन और ऑफ का बटन लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले ऑन बटन जो है उसको तुम ऑफ मोड में ले जाते हो। देन उसके बाद क्या करते हो, तो ये जो ऑन ऑफ करा, जो हमने ऑफ करी वॉशिंग मशीन बटन से, इसका काम हो गया सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन। उसके बाद हमने ऑफ कर दिया। देन हमें इससे भी जब हम रिपेयर करेंगे, जब हम इसको टच करेंगे, अंदर खोलेंगे, तो हमें चाहिए कि यार कहीं से भी गलती से भी कोई लीकेज करंट फ्लो ना कर जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्लग को यहाँ से डिटैच कर देते हैं। तो ये जो प्लग को हमने डिटैच करा, दिस फंक्शन इज नोन एज आइसोलेशन, आइसोलेटर का काम। तो सर्किट, सॉकेट से सर्किट को निकालना आइसोलेटर काम हो गया, और ऑन ऑफ करना सर्किट ब्रेकर का काम हो गया। समझ में आ रही बात है। तो कभी भी आपने देखा होगा, अगर कभी लाइट आ रही होती है या मशीन चल रही है, तो हर कोई मना करता है कि भाई सर्किट से डायरेक्टली चलती मशीन का प्लग मत निकाल देना। क्यों? क्योंकि स्पार्किंग हो सकती है, कहते हैं ना। तो इसीलिए तो हम लोग सर्किट, ये अपना स्विच यूज़ करते हैं। तो स्विच के अंदर क्या होता है, स्विच के अंदर आपका हैवल्स का बढ़िया क्वालिटी का स्विच अगर लगा हुआ है तो वहाँ पर आर्किंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग स्पेशल यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही पावर सिस्टम में होता है। तो पावर सिस्टम के अंदर जो डिटैच करने का काम है वो आइसोलेटर का है, और जो ऑन ऑफ सप्लाई को बंद करने का काम है वो है सर्किट ब्रेकर, क्योंकि उसके अंदर आर क्वेंचिंग की स्पेशल फैसिलिटी मौजूद है। इसीलिए आइसोलेटर जो होते हैं ये ऑफ लोड के लिए यूज़ होते हैं, और सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो ऑन लोड डिवाइस में काम करते हैं। ऑन लोड मतलब कि कोई अगर सप्लाई जा रही है, ऑन है, तो उसमें मेक और ब्रेक का ऑपरेशन जो है वो सर्किट ब्रेकर से किया जाएगा। अगर सप्लाई ऑफ है और वायर सिंपल है और हमें इसे डिटैच करना है, तो यहाँ पर जब ओपन करोगे वो होगा आइसोलेटर। तो ऑफ लोड का मतलब कि सप्लाई नहीं है, एनर्जाइज नहीं है सर्किट, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर कब काम करेगा, जब सर्किट एनर्जाइज होगा। ये सारे टेक्निकल वर्ड जो है, ये जो मैं कमेंट्री आपको सुना रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना। नोट्स बना रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया। एक छोटी सी बात और समझ लो, इट इज़ जस्ट एन एक्शन पार्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सर्किट ब्रेकर जो होता है ये जो है केवल एक्शन पार्ट है। लास्ट लेक्चर में मैंने रिले के ऊपर चर्चा करी थी बहुत डिटेल में, तो मैंने आपको रिले के बारे में बताया था कि रिले क्या करती है। रिले आपका सेंस करती है केवल कि भैया फॉल्ट हुआ है। अच्छा, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर मैंने 3-4 रिले भी आपको बताई थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नॉर्मली देखा था डिस्टेंस रिले थी, ये बता देती है कितनी दूरी पे फॉल्ट हुआ है। डायरेक्शनल रिले थी, ये बता देती है कि किस डायरेक्शन में फॉल्ट हुआ है। देन ओवर करंट रिले थी, ये बता देती है कि फॉल्ट हुआ है कॉल्ड, ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो इस तरीके की सारी रिले जो थी, यानी कि हमने सब कुछ पता कर लिया किधर हुआ है, फॉल्ट हुआ है। और एक थी हमारी डिफरेंशियल रिले, वो बताती है कि हमारे जोन का है कि नहीं, हमारे एरिया में लगता है नहीं लगता है ये फॉल्ट, ठीक है। तो हमने क्या करा, अलग अलग तरीके की रिले तो बना ली, जिससे हमें पता चल गया फॉल्ट कहाँ हुआ है, कितनी दूर पे हुआ है, जोन किस जोन में हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने पता कर ली। दैन उसके बाद जो एक्शन का पार्ट है, जब एक्शन की बारी आएगी, यानी सर्किट ब्रेकर को ओपन करने की, वो काम करता है हमारा सर्किट ब्रेकर। तो इट इज़ जस्ट एन एक्शन पार्ट। तो अगर कोई कहता है कि क्या सर्किट ब्रेकर सेंस कर सकता है, नहीं, उसे कुछ नहीं मतलब है। उसको मतलब है कि ट्रिप सिग्नल आया, यानी कि ऑर्डर हुआ कि गोली मार दो, तो वो गोली मार देगा, उसे कोई मतलब नहीं है। तो जो पीछे से ऑर्डर आएंगे वो उसे फॉलो करने हैं। तो सर्किट ब्रेकर इज़ जस्ट लाइक अवर आर्मी, कि जो कंट्रोल से आपके लिए आया है वो तुम्हें करना है। ये जो सोचने का, थिंक टैंक का जो काम है, वो आपका जो है वो करती है रिले। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रिले एंड सर्किट ब्रेकर, ठीक है। नाउ अब कंप्लीट प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इसको ध्यान से समझो। मान के चलते ये हमारी बस बार है, ठीक है ना। बस बार है, अब इसके अंदर क्या है, पावर फ्लो कर रही है, वोल्टेज है, करंट है। अब मान के चलते हैं यहाँ पे कोई फॉल्ट हो गया, तो जैसी फॉल्ट हुआ तो करंट की वैल्यू मान के चलते हैं एबनॉर्मल हो गई और वोल्टेज की डिप हो गई। तो करंट और वोल्टेज ये कौन नापेगा, तो पीटी से नापा जाएगा वोल्टेज। तो पीटी देखो यहाँ पे लगा दिया हमने, पीटी से हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन चली गई, और एक लगा दी हमने सीटी, सीटी से करंट की इन्फॉर्मेशन। दोनों इन्फॉर्मेशन हमने इस रिले में भेजी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझते रहना, पूरे तार खुल जाएंगे, दिमाग का हर ताला खुल जाएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। आपके सर्किट ब्रेकर, रिले, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझो। तो यहाँ से क्या हुआ, बस बार में जो भी वोल्टेज करंट का डिस्टर्बेंस आया वो पीटी और सीटी से रिले तक पहुँच गया। अब रिले को जरा समझते हैं ध्यान से। रिले का सर्किट देख लेते हैं। रिले के अंदर क्या है, रिले के अंदर एक ये है ट्रिप कॉइल लगी हुई है, और एक ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो इसके अंदर करंट फ्लो कराना चाह रहा है पर करंट फ्लो कर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो रिले का जरा सर्किट देखते हैं। तो दिस इज योर वोल्टेज सोर्स, जिसका काम है इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराना। अब एक बार अगर करंट फ्लो करेगा तो ये जो ट्रिप सिग्नल है, ये ट्रिप कॉइल है, ये एनर्जाइज हो जाएगी। ये अगर एनर्जाइज हो गई तो ये क्या करेगी, ये ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देगी, और ये ट्रिप सिग्नल जो होगा वो इस सर्किट ब्रेकर में जाके लग जाएगा और सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। समझ में आ रही बात है। तो अगर ट्रिप कॉइल एनर्जाइज, तो इस पूरे सर्किट का काम क्या है कि कुछ भी अगर गलत होता है तो ये ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज करना। रिले का बस इतना ही काम है कि, ठीक है, समझ में आ रही है। तो सेंस करने के लिए पीटी सीटी लगा दी हमने और वोल्टेज सोर्स लगा रखा है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल अगर सिनारियो की बात करें तो नॉर्मल सिनारियो में देखो सर्किट ओपन रहता है। ये रिले जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इस टाइप की एक सिंपल सा आपको रिले लेके दिखाया है, और जो वैसे तो बहुत टाइप की होती है, अट्रैक्शन टाइप, रिपल्शन टाइप, बहुत तरीके। हम यहाँ सिंपल सी एक अट्रैक्शन टाइप ले रहे हैं। तो जनरली क्या है कि जब नॉर्मल कंडीशन है, पीटी और सीटी, वोल्टेज और करंट की वैल्यू नॉर्मल है, तो ये रिले इस तरीके से देखो ओपन सर्किट है, यहाँ पे क्या है, ओपन है। तो कोई वोल्टेज सोर्स भले ही लगा हुआ हो लेकिन कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो ऐसे में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये जो ट्रिप सर्किट है ये कोई भी एनर्जाइज नहीं, इसके अंदर जीरो सिग्नल, कोई सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि फील्ड एनर्जाइज ही नहीं है। लेकिन क्या होता है जैसे ही हमें अनवांटेड सिग्नल मिलते हैं जैसे कि वोल्टेज और करंट की वैल्यू में चेंज आया तो ये रिले क्या करेगी, रिले ये इसका जो ये प्लंगर है इसे नीचे शिफ्ट कर देगी। जैसी शिफ्ट करेगी तो देखो अब सर्किट कंप्लीट हो गया। तो वोल्टेज सोर्स तो पहले ही इंतजार में था कि भैया एक बार सर्किट कंप्लीट हो तो हम करंट फ्लो कराएं, तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है ये वोल्टेज सोर्स जो होता है ये इसके अंदर एक करंट फ्लो करा देता है। अब ये जो करंट फ्लो होता है आई रिले, ये जो करंट होता है ये इस ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज करता है। और ये कॉइल क्यों, क्योंकि जब इसके अंदर करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो बस काम हो गया। तो जैसे ही एनर्जाइज होती है दिस विल क्रिएट द ट्रिप सिग्नल। अब ये ट्रिप सिग्नल जाता है सर्किट ब्रेकर में। सर्किट ब्रेकर का ट्रिप सिग्नल का मतलब है गोली मार दो, तो सर्किट ब्रेकर गोली मार देता है, तो सर्किट ब्रेकर सर्किट को ओपन कर देता है। तो इस तरीके से काम होता है। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ रही होगी बात ये, ठीक है। तो फॉल्ट होगा, एबनॉर्मल वोल्टेज और करंट होंगे, वोल्टेज सेंस करेगा पीटी, करंट सेंस करेगा सीटी, दोनों सिग्नल जाएंगे रिले में, रिले डिसाइड करेगी। अगर रिले एक्चुएट होती है तो क्या होगा, कंप्लीट कर देगी ट्रिप सर्किट को। एक्चुएट होने का मतलब ये, इसको हम कहेंगे रिले एक्चुएट हो गई, रिले एक्चुएट होने का मतलब हो गया रिले ऑन हो गई है, ऑन होने का मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया ट्रिप सिग्नल। अब इससे क्या होगा, जनरेट ट्रिप सिग्नल, कॉइल जो होगी वो एनर्जाइज होगी, ट्रिप सिग्नल जनरेट होगा एंड एक्चुएट सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन, और इससे क्या होगा, इस सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गई होगी। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। ना अगर हम लोग बात करते हैं सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन की, तो जो ये इस तरीके का डिब्बा आप देखते हो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर के अंदर अब बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, दो नहीं तीन कह रहे हैं। एक होता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है, एक हो गया फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, एक होता है मूविंग कॉन्टैक्ट और एक होता है इंसुलेशन चैम्बर। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली अगर स्विच की बात करें तो उसके अंदर भी तो यही होता है। नॉर्मल स्विच को अगर देखोगे तो ये हो गया क्लोज और ये हो गया ओपन, ठीक है, ये हो गया। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, ये होता है आपका ये वाला, जैसे हमने इसको इस तरीके से ओपन कर दिया, ये नॉर्मल स्विच है जनरली बात करें तो, ये हो गया मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है, और ये हो गया फिक्स कॉन्टैक्ट, मतलब ये जो है ये फिक्स है अपनी जगह पे, ये नहीं हिल रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात है। और यहाँ पे अगर कोई हमने इंसुलेशन मीडियम प्रोवाइड कराया है, तो जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्विच के अंदर एयर होती है तो एयर विल एक्ट एज अ इंसुलेटर मीडियम, लेकिन जब सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो ये जो चैम्बर देख रहे हो पूरा सा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंसुलेशन चैम्बर। तो यहाँ पे मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्स्टेंट एंड इंसुलेशन चैम्बर, इधर से इनपुट करंट आ रहा होगा, इधर से आउटपुट करंट लाइन का निकल रहा है, ठीक है। अब देखो कभी भी अगर फॉल्ट डिटेक्ट होगा तो रिले के पास जाएगा, रिले क्या करेगी, ट्रिप सिग्नल को जनरेट करेगी, ये ट्रिप सिग्नल जाएगा सर्किट ब्रेकर में। अब सर्किट ब्रेकर के अंदर जब सिग्नल चला गया, यहाँ तक की तो कहानी हमने बहुत बार समझ ली। अब जैसे ही सर्किट ब्रेकर के अंदर जाएगा तो जो मूविंग कॉन्टैक्ट हैं ये वाले, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये मूव अवे फ्रॉम द फिक्स कॉन्टैक्ट, ये क्या करेंगे, ये पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएंगे। देखो कैसे, इस तरीके से, देखो ध्यान से। तो ट्रिप सिग्नल जैसे ही एंटर करेगा, ठीक है, ऑन रिसीविंग द ट्रिप सिग्नल फ्रॉम द रिले, सर्किट ब्रेकर स्टार्ट ब्रेकिंग दी सर्किट। अब ये सर्किट ब्रेकर है, ये ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। अब कैसे ब्रेक करेगा, तो सेपरेट करके मूविंग कॉन्टैक्ट को अवे फ्रॉम द फिक्स कॉन्टैक्ट। तो ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ना, इसे पीछे खींच लेगा, ठीक है, फिक्स कॉन्टैक्ट से पीछे खींचेगा। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से, तो जैसे ये मूविंग कॉन्टैक्ट को इस फिक्स कॉन्टैक्ट से पीछे ले जाने की कोशिश करेगा तो ये गैप आ जाएगा। अब इस गैप को फिल करने के लिए करंट क्या कहेगा, करंट कहेगा भाई हमें तो कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है, तो इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे आर्क फॉर्मेशन, मतलब इस गैप में आर्क फॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर किसी चलती मोटर के अंदर आप एकदम से प्लग निकालो तो देखा ना स्पार्किंग होती है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज जैसे ही हम इस मूविंग कॉन्टैक्ट को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही हाई वोल्टेज जो है पिक्चर के अंदर आ जाता है, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, री स्ट्राइकिंग, RRRV, ये सारे टर्म जो हैं ये हम लोग सुजगर प्रोटेक्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे चर्चा की जाएगी, अभी केवल बेसिक समझ लो। तो जैसे ही हम ना इसको मूविंग कॉन्टैक्ट को बाहर की तरफ पुश करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। अब ये जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है ये आर्क को जनरेट करवाता है। तो ये क्या करता है, ये जो चार्जेस यहाँ से नहीं जा पा रहे थे इनको आर्क के थ्रू पहुंचा देता है फिक्स कॉन्टैक्ट तक, ठीक है। तो जब ऐसा होता है यानी कि जब भी आर्क फॉर्म होगी तो करंट की कंटिन्यूटी वैसी बनी रहेगी, मतलब सर्किट ब्रेकर तो खुला ही नहीं। समझ में आ रही बात है। तो नॉर्मली यानी कि अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो हमें थ्योरेटिकली तो हमें पता था कि जब भी हमें सर्किट ब्रेकर करना है तो मूविंग कॉन्टैक्ट को फिक्स कॉन्टैक्ट से दूर ले जाओगे और हमारा काम खत्म, करंट रुक गया। लेकिन जब प्रैक्टिकली जाके देखा तो ऐसा हुआ ही नहीं। जैसे ही हमने मूविंग कॉन्टैक्ट को दूर करा फिक्स कॉन्टैक्ट से तो वहाँ पे आर्किंग हो गई, और ये जो आर्किंग थी ना इसने इस करंट को, देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, करंट को सेम बनाए रखा, तो मतलब सर्किट ब्रेकर तो ओपन ही नहीं हुआ। तो देखो यहाँ लिखा भी है आर्क फॉर्मेशन जो होगा जैसे हम मूविंग कॉन्टैक्ट को सेपरेट करेंगे तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वजह से आर्क आ जाएगी, आर्क फॉर्मेशन होगा जैसे हम कॉन्टैक्ट सेपरेट करेंगे, और ये जो आर्क फॉर्मेशन है इसकी वजह से करंट कंटिन्यू टू फ्लो वाया आर्क। तो क्या हुआ, सर्किट जो होगा पहले मूविंग कॉन्टैक्ट से होता हुआ फिक्स कॉन्टैक्ट के होते हुआ निकल रहा था, अब करंट निकलेगा वायर देन मूविंग कॉन्टैक्ट देन दिस आर्क एंड देन फिक्स कॉन्टैक्ट एंड देन बाहर निकल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसीलिए क्या हुआ कि सर्किट तो ब्रेक ही नहीं हुआ। समझ में आ रही बात ये, क्लियर हो गए यहाँ पे। तो नॉर्मली सर्किट ब्रेकर को अगर तुम विदाउट इंसुलेशन मीडियम अगर उसे ओपन करोगे तो वो ब्रेक नहीं होगा। यहाँ से पिक्चर के अंदर आता है आई इंसुलेटर। समझ में आ रही बात ये। तो अगर हम एक ध्यान से देखें तो अब क्या होता है, जब हम लोग इंसुलेटर भर देते हैं, इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटिंग मीडियम। अब ये इंसुलेटिंग मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जब इंसुलेटिंग मीडियम हम फिल करते हैं, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, SF6 हो सकती है, ऑयल हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, किसी भी तरीके का हम इंसुलेटर डाल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज रेटिंग। तो जब हम इंसुलेटर भर देते हैं तो ये इंसुलेटर क्या करता है, दिस इंसुलेटर वर्क फॉर आर्क क्वेंचिंग। तो ये काम क्या करता है, हेल्प्स इन आर्क क्वेंचिंग। तो तब जाके आर्क खत्म होती है और सर्किट ब्रेकिंग का ऑपरेशन कंप्लीट हो पाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो सो दैट इज द इंपॉर्टेंस। यानी कि अगर देखो यहीं पे सारी चीजें क्लियर, अगर हम आइसोलेटर इस्तेमाल कर लें सर्किट ब्रेकर की जगह, तो आइसोलेटर में भी एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है और एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। ये फिक्स्ड हो गया, ये मूविंग हो गया, उसमें भी यही होता है। तो जैसे ही तो मूविंग कॉन्टैक्ट को ओपन करोगे तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आएगा और उसकी वजह से आर्किंग हो जाएगी। अब ये आर्किंग अगर हो गई तो सर्किट तो ब्रेक ही नहीं हुआ, करंट फ्लो करता रहेगा। तो ये आर्क क्वेंचिंग करना ही सर्किट ब्रेकिंग है। तो मैंने लिखा भी है। तो अगर हम कहते हैं सर्किट ब्रेकिंग, तो सर्किट ब्रेकिंग इज बेसिकली ना आर्ट ऑफ आर्क क्वेंचिंग, मतलब आर्क को खत्म करने का प्रोसेस जो है वो है सर्किट ब्रेकिंग। समझ में आ रही बात है। तो सर्किट को ब्रेक करने का आर्ट नहीं है। सर्किट को ब्रेक तो हम आइसोलेटर से भी कह सकते हैं। आर्क क्वेंचिंग का जो सर्किट ब्रेकिंग है वो आर्ट है आर्क को खत्म करने की, क्योंकि आर्क खत्म हो के ही सर्किट ब्रेक होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टेटमेंट ES के एग्जाम में पूछा गया है कि सर्किट ब्रेकिंग इज एन आर्ट ऑफ आर्क क्वेंचिंग। तो ऐसा क्यों? ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे और लिखी हुई है, ऊपर देख सकते हो। तो सर्किट ब्रेकिंग का ऑपरेशन कंप्लीट कब होगा? तो केवल तब कंप्लीट होगा, ओनली व्हेन आर्क एक्सटिंग्विश और करंट जीरो हो जाए। तो जब तक कि आर्क खत्म नहीं हुई है और करंट जीरो नहीं हुआ है तब तक हम नहीं कह सकते कि सर्किट ब्रेक हो गया है। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो सर्किट ब्रेकिंग का ऑपरेशन कब होगा? जब तक कि आर्क क्वेंचिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो जाता। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सर्किट ब्रेकर को सर्किट ब्रेकर क्या बनाता है, उसके अंदर प्रेजेंट उसका इंसुलेटर मीडियम, क्योंकि वही आर्क को क्वेंच करेगा। इसीलिए ये बड़ी स्टेटमेंट दिया गया कि सर्किट ब्रेकिंग इज एन आर्ट ऑफ आर्क क्वेंचिंग। तो इसीलिए यहीं पे आंसर भी मैंने अभी बताया, आइसोलेटर इसीलिए हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसके अंदर ना ये इंसुलेटिंग मीडियम नहीं होता। तो आर्क क्वेंच का फैसिलिटी नहीं है। तो अगर कोई पूछ ले आपसे वाइवा में कि सर आइसोलेटर क्यों नहीं हम यूज़ कर ले रहे सर्किट ब्रेकर की जगह, तो आंसर सिंपल सा दे देना कि आइसोलेटर के पास आर्क को क्वेंच करने की फैसिलिटी नहीं है भाई। अगर ये आ गई तो हम यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द खेल। क्लियर हो गया यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर की। बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस है इसके अंदर। देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम वोल्टेज के बेसिस पे करें तो वोल्टेज के बेसिस पे हम लो वोल्टेज जो कि 1 किलो वोल्ट से कम के लिए यूज़ होता है, देन मीडियम वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर होते हैं जो कि 1 किलो वोल्ट से 52 किलो वोल्ट तक होता है, हाई वोल्टेज 66 से 220, एक्स्ट्रा हाई 300 से 765 kV एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए भी सर्किट ब्रेकर आते हैं जो कि अब 765 kV हैं। ध्यान रखना ये चीज़ें, वैसे तो देखो फैक्ट्स हैं, ठीक है, तो मैं फैक्ट्स पेपर में आ जाते हैं यार, ठीक है, खासकर SSC JE लेवल के, यानी कि JE लेवल के जो भी एग्जाम है उनमें ही आपके फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको याद रख लेना, A लेवल के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन या सिलेक्शन पे आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। सो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट चार्ट, इसको याद रखना, नोट्स कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशन यूज, ठीक है, कि कौन सा इंसुलेशन, अभी मैंने बताया ना कि सर्किट ब्रेकर विदाउट इंसुलेटर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इंसुलेशन के कारण ही वो सर्किट ब्रेकर है। तो इंसुलेशन कौन कौन से हो सकते हैं? तो 4 तरीके के मेनली हैं। अब नए आ गए हो तो अलग बात है, कोर्स में 4 ही तरीके के हैं। तो एयर, वैक्यूम, ऑयल या SF6। तो एयर के अंदर 2 कैटेगरी, एयर ब्लास्ट एंड एयर ब्रेक, अलग अलग जैसा रेटिंग होगी वोल्टेज की। वैक्यूम सिंपल हो गया, ऑयल मिनिमम ऑयल एंड बल्क ऑयल, 2 तरीके की कैटेगरी होती है, एंड देन SF6। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये इतने तरीके के हम लोग जो है इंसुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे अलग अलग का सिलेक्शन होता है। अच्छा, इनका जो अपना स्ट्रक्चर है कि एयर ब्लास्ट और एयर ब्रेक और इन सब का जो स्ट्रक्चर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कैसा दिखता है क्या है, इसको हम लोग स्विच गियर प्रोटेक्शन सीरीज में कवर करेंगे स्विच गियर। तो ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, जैसे ये सीरीज़ कंप्लीट होती, थोड़े से लेक्चर और रह गए, तो सब स्टेशन की सीरीज़ जैसी कंप्लीट होगी देन हम लोग स्विच गियर की सीरीज़ पे शिफ्ट करेंगे। तो वहाँ पे ये चीज़ डिटेल में मैं इसके ऊपर एक एक लेक्चर एक एक सर्किट ब्रेकर के ऊपर डिटेल में लूँगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं पूरा डिटेल में होगा। ओके, तो एयर हो गया, वैक्यूम हो गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मैंने ये बहुत बार आप लोगों को बताया भी है। जब भी हम कंडक्टर का सिलेक्शन करते हैं ना, कंडक्टर का सिलेक्शन, तो हमेशा वो ऑन द बेसिस ऑफ करंट करा जाता है और एरिया का ध्यान रखा जाता है कि करंट की जो कंडक्टर ले रहा है उसका क्या एरिया होगा, ये डिपेंड करता है उसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। वहीं पे अगर हम कोई इंसुलेशन का सिलेक्शन करते हैं कि इंसुलेटर कैसा ले रहे हो, तो इंसुलेशन का सिलेक्शन हमेशा जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। क्यों? क्योंकि इंसुलेशन जो होता है, इंसुलेटर, वो ब्रेकडाउन ही होता है। तो ब्रेकडाउन कब हो सकता है? वो वोल्टेज से ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी इंसुलेटर हमेशा वोल्टेज के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए इनमें से कौन सा कहाँ यूज़ करा है, ये ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ही सिलेक्शन होगा। तो जरा देख लेते हैं, टेबल है यहाँ पे, तो देखो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल हैं, ये दो टेबलें आपको याद रखनी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट। तो सर्किट ब्रेकर यहाँ मैंने लिख रखा SF6, ऑयल हो गया, वैक्यूम हो गया, एयर हो गया। तो आर क्वेंचिंग मीडियम, मतलब कौन से मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें SF6 हो रहा है, इसमें इंसुलेटिंग ऑयल हो रहा है, इसमें वैक्यूम, इसमें एयर। ठीक है, रेटिंग तो अप टू 760 किलोवोल्ट के लिए, यानी कि सबसे हाई वोल्टेज के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं SF6। तो SF6 सबसे ज़्यादा एडवांस सर्किट ब्रेकर में आता है। अगर हम बात करें 132 kV के लिए तो ऑयल वाला, अप टू 66 के लिए वैक्यूम वाला, और 15 तक के लिए हम लोग एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो सबसे हल्की क्वालिटी के सर्किट ब्रेकर एयर ब्रेक होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो ये तो मीडियम वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में इनका इस्तेमाल होता है। ऑयल ब्रेकर का इस्तेमाल होता है इंटरप्टिंग लो करंट और हाई वोल्टेज। ध्यान रखना, करंट लो हो और वोल्टेज हाई हो, अगर ऐसा है तो ऑयल यूज़ करोगे, और इसका उल्टा है, मतलब लो वोल्टेज है और हाई करंट है, समझ में आ रहा है, करंट हाई और वोल्टेज कम है, तो हम यूज़ करेंगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर कहाँ यूज़ करोगे, हाई वोल्टेज और लो करंट में, और वैक्यूम वाला लो वोल्टेज हाई करंट। ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है कई बार। देन लास्ट आता है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। ये कहाँ यूज़ करेंगे, तो रेलवे ट्रैक्शन पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, रेलवे में। ठीक है, बाकी इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है सर्किट ब्रेकर के ऊपर, ये मैं कवर कर दूंगा आपके प्रीवियस ईयर की जो यूथ पब्लिकेशन सीरीज स्टार्ट होने वाली वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ कनेक्ट रहना। देन हम बात कर लेते हैं सर्किट ब्रेकर और वोल्टेज लेवल। तो मैंने इसको सिंपली, ये टेबल भी याद रख सकते हो, ये जैसे यहाँ पे कवर करा सेम ही है। तो एयर ब्लास्ट 132 के लिए, एयर ब्रेक 400 वोल्ट से 15 केवी के लिए, तो सबसे कमज़ोर जो है वो एयर ब्रेक है। ठीक है, देन ऑयल 220 के लिए, SF6 765 के लिए, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर 22 से 66 केवी के लिए। तो दीज आर द रेटिंग्स। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पे इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सिलेक्शन करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। तीसरा जो कैटेगरी बांटी गई ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल डिज़ाइन। अब बहुत बार मेरे पास जब बच्चे रिपोर्ट लेके आते हैं इंडस्ट्रियल रिपोर्ट की, एक्चुअली मैं अपने कॉलेज में इंडस्ट्रियल जो विजिट का सेमिनार है वो मैं ही लेता हूँ, और मेरी ये कोशिश रहती है, पूरा मैं जब वाइवा लेता हूँ तो मेरा एक सिंपल सा सिद्धांत है, मेरा लेवल बहुत ही हाई रखता हूँ वाइवा का, जिससे कि अगर मेरे आपने 10 क्वेश्चनों में से एक भी बता दिया या दो भी बता दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि तुमने कुछ करा है। ठीक है, तो मैं अपना लेवल बहुत हाई रखता हूँ जब वाइवा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो मैं बच्चों से बहुत बार पूछता हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ें भी पूछ लेता हूँ ना, नहीं बता पाते। 90% स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि ये क्या है और ये क्या है, या दोनों में अंतर क्या है। तो इसीलिए ये वाला पार्ट मैंने स्पेशली डाला है, इसके ऊपर बड़ा डिटेल मैंने इस लेक्चर में कवर करा है, समझ में आ रही बात है। तो बेसिकली अगर हम तीसरी कैटेगरी की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल डिज़ाइन अगर हम बांटें तो हम सर्किट ब्रेकर को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है लाइव टैंक, बहुत ध्यान से समझना, और एक है डेड टैंक। ठीक है, तो लाइव टैंक एंड डेड टैंक ना, अब ये क्या होते हैं, कहाँ कौन सा यूज़ करते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले लाइव टैंक की बात करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आ रही है लाइन, ध्यान से समझना, ये आई ट्रांसमिशन लाइन और इसमें गई, एंड देन यहाँ से ये बाहर निकल गई। क्लियर हो रहा है यहाँ पे ना। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो देख रहे हो लंबे लंबे ये वाले और ये वाले, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, ये डायग्राम है। तो यहाँ पे ये लाइन आ रही है, लाइन जा रही है, देन यहाँ पे हो रहा है इंटरप्टर। इंटरप्टर क्या होता है, इंटरप्टर बेसिकली वो यूनिट होती है सर्किट ब्रेकर की जहाँ पे मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं, और वो जहाँ से इंटरप्शन आ रहा होता है उस पूरी यूनिट को हम लोग इंटरप्टर कह देते हैं सर्किट ब्रेकर की। ठीक है, तो ये लाइन आई। अब ये लाइन जो एंटर कर रही है, जो ब्राउन कलर के देख रहे हो ना रिंग्स टाइप के, बहुत लोग इसे इंसुलेटर कह देते हैं। तो दीज आर नॉट इंसुलेटर। इंसुलेटर जो होते हैं ना वो हॉलो नहीं होते। तो नॉर्मली जो इंसुलेटर होते हैं वो इस तरीके के होते हैं और कंडक्टर को केवल सपोर्ट करने का काम करते हैं। अंदर से कंडक्टर जाता नहीं है उनके। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसे किसी सिनारियो की तो वहाँ यूज़ करते हैं बुशिंग। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। बुशिंग, बुशिंग का काम क्या होता है? बुशिंग का काम होता है कि जो भी लाइव वायर या कंडक्टर है उसको अपने अंदर से पास करना। तो बुशिंग को हम कह सकते हैं हॉलो कंडक्टर, हॉलो इंसुलेटर, सॉरी हॉलो इंसुलेटर। तो नॉर्मली जो इंसुलेटर होते हैं, अगर कहीं इंसुलेटर लिखा है तो इसका मतलब होता है सॉलिड इंसुलेटर, अंदर कोई छेदवेद नहीं है। लेकिन जब हम बुशिंग की बात करते हैं तो बुशिंग का मतलब होता है हॉलो इंसुलेटर, मतलब आउटर में तो इंसुलेटर है लेकिन अंदर से उसके कंडक्टर पास हो रहा है। अब इसकी क्या ज़रूरत होती है? तो बहुत बार क्या होता है, जैसे कि यही केस देख लो, इस केस में हम लोग ये लाइव वायर को कैरी कर रहे हैं। अब लाइव वायर को पकड़ना है तो हम ये नहीं चाहते कि लाइव वायर जो है वो आसपास किसी बॉडी से टच करे, तो इसीलिए उस लाइव वायर को एक हॉलो इंसुलेटर के अंदर से पार किया जाता है। तो ये जो मैंने ये बना दिया ना डायग्राम, दिस वन बेसिकली रिप्रेजेंटिंग इंसुलेशन। तो ये आउटर इंसुलेटर है, इधर भी इंसुलेटर है और बीच में यहाँ क्या है, ये हॉलो, तो बीच में हॉलो है, इधर उधर पूरा मतलब इंसुलेटर की डिस्क है। तो ये बेसिकली सराउंडिंग को बचाने के लिए कि भैया कि आपकी जो आसपास की चीज़ें हैं वो तुम्हारे लाइव वायर के कांटेक्ट में ना आ जाएं, इस काम के लिए हम लोग इस हॉलो इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग बुशिंग कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये तो होगी बुशिंग की कहानी। अब बुशिंग ले ली, अब ये आ रहा है लाइव सर्किट। तो देखो ये लाइव वायर आया, ठीक है, ये इसके अंदर ये पूरा अगर चला जाएगा तो हम कहेंगे सर्किट ब्रेकर मेक है। अब यहाँ पे इसे ओपन करना है, तो जैसे मान के चलते हैं कोई भी दिक्कत हुई तो रिले, रिले से सर्किट आएगा, ट्रिप सिग्नल आएगा यहाँ पे, ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड मैकेनिज्म यूनिट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोटर लगी होगी या जो भी अंदर का कॉन्सेप्ट हो, हमें उसकी डिटेलिंग अभी नहीं जानी, सीरीज में कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूनिट लगी होती है, जैसे रिले का ट्रिप सिग्नल आता है ये यूनिट क्या करती है, ये यूनिट इस लाइव वायर का जो मूविंग पार्ट है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो, ये रेड कलर का लाइव वायर है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड मूविंग पार्ट, ये क्या मूविंग पार्ट है, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल्ड फिक्स्ड पार्ट। तो ये यूनिट जो होती है क्या करती है, इस मूविंग पार्ट को नीचे खींच लेती है। अब जैसे ही इसको नीचे खींचोगे तो सर्किट ब्रेक हो गया। तो ये जो ब्रेकर का काम है सर्किट ब्रेक करने का, ये वाया मैकेनिज्म इंटरप्टर में होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात है, इंटरप्टर को कहते हैं इसको ब्रेक करने को। तो यहाँ पे इंटरप्ट कर दिया हमने। अच्छा, अब जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे तो आर्किंग होगी, ठीक है, बहुत हैवी आर्किंग होगी। तो इस आर्किंग को खत्म करने के लिए हमने SF6 एज ए इंसुलेशन मीडियम डाली हुई है। तो ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे SF6 इंस्टॉल्ड होगी, ताकि जब भी इंटरप्टर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करे, जब भी हम सर्किट को ब्रेक करें, तो जो भी आर्किंग हो, तो SF6 हो सकती है या ऑयल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द वोल्टेज रेटिंग। तो वो फील्ड होता है इन द बुशिंग फॉर आर्क क्वेंचिंग। तो यहाँ पे वो हमने फिल कर रखा होता है ताकि आर्क को यहाँ पे सेटल डाउन किया जा सके। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात ये। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे SF6 हमने भर रखी होती है। तो ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये चीज़ हो गई इसकी ऑपरेशन की। अच्छा, इसका नाम लाइव टैंक क्यों, इसको भी समझ लो। तो कोई पूछ लेता है लाइव टैंक सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, मैकेनिज्म जो है, देखो यहाँ पे यूनिट बनाई हुई है, ये जो देख रहा हूँ नीचे डिब्बे रखे हैं, यहीं पर वो हमारी रिले की जो सेंसिंग आएगी वो यहीं पर आएगी, यहीं से सारा ऑपरेशन स्टार्ट होगा। अच्छा, सर्किट ब्रेकर अगर कोई पूछ ले लाइव टैंक क्या होता है, तो भैया एक सर्किट ब्रेकर जहाँ पे स्विचिंग यूनिट जो होती है वो लोकेट होती है इन एन इंसुलेटर बुशिंग के अंदर, समझ में आ रही बात है। तो अगर कोई कहता है लाइव टैंक जो है वो कौन से सर्किट ब्रेकर होते हैं, तो वो सर्किट ब्रेकर जिसके अंदर जो ये स्विचिंग यूनिट है, यानी कि इंटरप्टर जो है, ये बुशिंग के अंदर फीड है, बुशिंग के अंदर जाके उसको हमने लोकेट कर रखा है। अच्छा, इसको हम कह देते हैं लाइव टैंक। अच्छा, लाइव टैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि एट लाइन पोटेंशियल, तो आप देख सकते हो भैया यहाँ से हाई वोल्टेज की लाइन आ रही है। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा बुशिंग का जो अरेंजमेंट है जिसके अंदर ये इंटरप्टर रखा हुआ है, दीज ऑल आर एट लाइन पोटेंशियल। तो ये क्या है, लाइव पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल पे है, तो इसीलिए इसको हम लोग लाइव टैंक कह देते हैं। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात है। तो क्योंकि इसके अंदर से लाइव वायर जा रहा होता है सिंपली, और ये सबका सब हाई पोटेंशियल पे एग्जिस्ट करता है। तो ये जो पूरा देख रहे हो ना, दिस इज एट हाई पोटेंशियल। तो ये क्योंकि हाई पोटेंशियल पे है तो इसीलिए इसको लाइव टैंक कह देते हैं। मतलब ये भैया इस समय इसमें हाई लाइव वायर इसके अंदर से जा रहा है और ये हाई पोटेंशियल पे है कंपेयर टू द ग्राउंड। तो यहाँ से इसका नाम पड़ गया लाइव टैंक। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो समझ में आ गया होगा। दूसरा टाइप होता है डेड टैंक। तो ये जो डायग्राम देखते हो इस तरीके का, तो दिस वन रिप्रेजेंटिंग डेड टैंक, ठीक है। अब डेड टैंक पहले नाम समझ लो क्यों पड़ा। तो डेड टैंक इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो भी स्विचिंग यूनिट है वो लोकेटेड होती विद इन अ मेटेलिक कंटेनर। तो देख रहे हो ना, ये जो मेटेलिक कंटेनर देख रहे हो ना, ये वाला, ये छोटा सा ये वाला पोर्शन, यहाँ पे पूरी इंटरप्टर यूनिट फीड है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, पूरी की पूरी इंटरप्टर यूनिट जो है इस मेटेलिक टैंक में फीड कर दी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग ये जो मेटेलिक टैंक के अंदर में फीड करी और इस मेटेलिक टैंक को कर देते हैं ग्राउंड। तो इसको हम लोग अर्थ पोटेंशियल पे रखते हैं। तो मेटल टैंक लिया, मेटल टैंक के अंदर वो यूनिट डाल दी, इंटरप्टर की यूनिट, और टैंक को कर दिया ग्राउंड। तो क्योंकि टैंक ग्राउंड पे है, पोटेंशियल उसका हाई नहीं है, तो इसीलिए उसको नाम दे दिया गया डेड टैंक। डेड टैंक मतलब जिसका डेड पोटेंशियल हो, कोई पोटेंशियल हाई नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस बात को समझ में आ गया, तो यहाँ से नाम पड़ता है इसका डेड टैंक। लाइव टैंक क्यों, क्योंकि जो बुशिंग थी जिसके अंदर से लाइव वायर जा रहा था उसको हमने अर्थवर्त नहीं करा था, तो बुशिंग जो है वो हाई पोटेंशियल पे एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो वो लाइव कह दिया उसे हाई पोटेंशियल, तो लाइव टैंक कह दिया। ठीक है, जो इंटरप्टर सर्किट था वो बुशिंग के अंदर है, बुशिंग हाई पोटेंशियल पे। यहाँ पे जो इंटरप्टर सर्किट है वो एक मेटेलिक टैंक के अंदर, हमने इस तरीके का एक मेटेलिक टैंक होता है उसके अंदर हमने लाइव वायर और इंटरप्टर डाल, वो दोनों वायर डाल दिए और यहाँ पे इनके बीच में इंटरप्टर डाल दिया। अभी बताऊँगा, समझाऊँगा। तो ये क्या है, दिस इज योर मेटल टैंक, और ये क्योंकि मेटल टैंक है, ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं ऐसे करके ग्राउंड, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डेड टैंक, इसीलिए से डेड टैंक कहते हैं। तो डेड टैंक का सिंपल सा मतलब है कि जो कि अर्थ पोटेंशियल पे हो, जिसका पोटेंशियल हाई ना हो, वो डेड टैंक हो गया। सही है, अब इसकी वर्किंग समझते हैं। तो देखो ये बुशिंग है, जैसे उसमें थी वैसे इसमें थोड़ी सी अलग टाइप की। तो ये जो देख रहे हो ना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बुशिंग। कोई पूछ ले तो बता देना यार, नाम खराब मत करना मेरा। अगर आप मेरे से पढ़े हो तो क्वालिटी हमेशा मैंने मैटर करी है और हमेशा फोकस करता हूँ। तो अगर आप देखो, आप कभी भी अगर मेरे से पढ़ के जा रहे हो तो आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा मेरे नाम की आपको वैल्यू रखनी है, आप मन से पढ़ के जाओ, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है आपको, तो कॉन्फिडेंस के साथ नॉलेज लेके जाओ अपने साथ। लगना चाहिए सामने वाले को, यार ये दम है बंदे में, पढ़ के आया है। तो ये अगर कोई पूछ ले क्या है, तो दीज आर व्हाट वी कॉल्ड बुशिंग। वो भी बुशिंग थी, ये हो गई, ये हॉरिजॉन्टल बुशिंग है और ये आपकी टिल्टेड बुशिंग है, ठीक है। तो वर्टिकल बुशिंग, टिल्टेड बुशिंग। अगर चाहते हो बुशिंग के ऊपर कोई लेक्चर ले लूँ मैं, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना बुशिंग, ठीक है। अगर बुशिंग के ऊपर ज़्यादा डिमांड आएगी तो उसके ऊपर भी लेक्चर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। तो ये हो गई बुशिंग, हमने लगा रखी। देन यहाँ पे एक वायर आ गया, लाइव वायर, इधर से आया, इधर से आया। अब यहाँ पे जो सर्किट ओपन है वो करा जाता है इससे, इसको भी इंटरप्टर ही कहते हैं। तो इंटरप्टर क्या हो गया, जहाँ पे एक मतलब सर्किट ब्रेकर का वो पार्ट जहाँ पे आर को एक्सटिंग्विश करा जाता है और जिसके अंदर मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट मौजूद होते हैं। तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट हो गया, मान के चलते हैं दिस इज योर मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये ऊपर नीचे मूव करेगा, ठीक है। और ये दोनों जो कंडक्टर हैं ये कहलाएंगे फिक्स कॉन्टैक्ट, ठीक है। समझ में आ रही बात है। एक जैसे फॉर एग्जांपल ये वायर है, ये वायर है, और ये जो हमने ये कर रखा है इसको टच करा दोगे तो ये कॉन्टेंट कंप्लीट, इसको ऊपर ले जाओगे तो कॉन्टेंट ओपन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मूविंग कॉन्टेंट। ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है। तो ये पूरी यूनिट जो है जहाँ पे ये प्रोसेस होगा, आर्क बनेगी, आर्क क्वेंच होगी, वो कहलाएगा इंटरप्टर। तो ये पूरा इंटरप्टर कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे मैकेनिज्म, ये देखो ये पूरा वायर गया हुआ है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मैकेनिज्म। जहाँ पे पूरा ये रहा, ये वाला यहाँ पे मैकेनिज्म है, यहाँ पे रिले का इंटरप्टिंग सर्किट, रिले का जो ट्रिप सिग्नल है वो यहाँ पे रिसीव होगा। रिसीव होने के बाद यहाँ पे मोटर या जो भी लीवर एक्शन लगा रखा हो जिससे हम ये जो हमारा पर्टिकुलर है ना इसको हम ऊपर और नीचे शिफ्ट करेंगे, दिस मूविंग पार्ट को हम लोग शिफ्ट करेंगे सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए। मान के चलते हैं रिले ट्रिप हुई तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे भेज देंगे। अगर रिले हमारी ट्रिप नहीं हुई तो इसको ऊपर खिसका देंगे, ऊपर खिसका देंगे तो ये सर्किट इस तरीके से क्लोज कर देगा। समझ में आ रही बात है। सो इस तरीके से ऑपरेशन होता है और इस प्रोसेस में जो भी आर्किंग होगी वो पूरी की पूरी ये हमने व्हाइट डॉट जो बनाए हैं दिस इज व्हाट वी कॉल्ड SF6। तो यहाँ पे SF6 भरी हुई है, अगर किसी भी तरीके की आर्किंग होगी तो SF6 इसको निपट लेगी। SF6 की जगह यहाँ पे ऑयल भी भर सकते हो भैया, ठीक है। ये जो डेड टैंक है इसके अंदर ऑयल भी भरा हो सकता है अगर ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। तो दिस इज ये पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं ये अंदर मेटेलिक सिलेंडर में आती हैं और ये मेटेलिक सिलेंडर हमने यहाँ से ग्राउंड कर रखा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा डेड टैंक और लाइव टैंक पूरा डिटेल में, ठीक है। अगर कंपेयर करें हम लोग कि कहाँ पे कौन सा यूज़ करोगे, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और रह गई, बहुत ध्यान से समझना। ये देखो CT है, बहुत इंपॉर्टेंट है CT। ये जो देख रहे हो ना, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज CT, CT ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो ये सर्किट ब्रेकर के CTs हैं, अभी बताऊंगा इनका क्या काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है। तो यहाँ पे स्पेशली देखो जो लाइव टैंक था वहाँ पे CT वीटी नहीं लगाए थे हमने, वहाँ CT अलग दूर लगा था। लेकिन जब हम डेड टैंक की बात करते हैं तो CT बिल्कुल बुशिंग के साथ लगा होता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड CT ऑफ डेड टैंक सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब देखते हैं इसका काम क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलो सर्किट ब्रेकर CT की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है जब हम बात करते हैं डेड टैंक की, तो डेड टैंक क्योंकि हमने ये टैंक लिया हुआ है और इसको ग्राउंडेड भी करा हुआ है और यहाँ पे लाइव वायर भी आ रहे हैं, तो बड़ा ध्यान रखा जाता है कि चांसेस क्या होते हैं कि जो इंटरप्टर सर्किट है ये वाला पूरा सर्किट, ये और मेटल टैंक आपस में कॉन्टैक्ट में ना आ जाए किसी भी तरीके से, आर्किंग से, कोई भी वजह से। तो ये इंटरप्टर सर्किट इस मेटल टैंक के, ये जो मेटल टैंक आउटर बॉडी है और ये ग्राउंडेड भी है, अगर ये कॉन्टैक्ट में आ गए तो क्या होगा, सारा का सारा करंट यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा ग्राउंड के अंदर। तो ये तो आपका LG फॉल्ट हो गया, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए बुशिंग के थ्रू कंडक्टर को लाया जाता है एंड देन डायरेक्टली उसे एंटर करा दिया जाता है, मेटल टैंक टच नहीं होता पिक्चर में। इसीलिए तो बुशिंग यूज़ कर रहे हैं यार, अगर हमें डायरेक्टली लगाना होता तो बुशिंग क्यों यूज़ करते। बुशिंग इसीलिए यूज़ करी जाती है कि जैसे मेटल टैंक में चार्ज ना आ जाए, वरना अगर ऐसे डायरेक्टली नॉर्मल कंडक्टर अटैच कर दोगे तो सारा का सारा करंट तो मेटल बॉडी से टच होकर ग्राउंड में चला जाएगा। तो इसलिए बुशिंग है। अच्छा फिर भी देखो, फिर भी बहुत सारे चांसेस होते हैं कि भैया इतना हाई वोल्टेज है तो हो सकता है कुछ स्पार्किंग हो जाए, कुछ टच हो जाए, तो फॉल्ट ना हो जाए। इसके चक्कर में क्या होता है, एक तो दो बातें, एक तो हमें एक्स्ट्रा SF6 भरनी पड़ती है, ताकि इंटरप्टर और मेटल टैंक के बीच में आर्किंग ना हो जाए। और दूसरा, सीटी तुरंत यहीं पे लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर मान के चलते हैं किसी भी वजह से इंटरप्टर सर्किट से आर्किंग होके मेटल टैंक टच हो गया या कैसे भी कांटेक्ट हो गया, तो सीटी क्या करेगा, सीटी तुरंत बता देगा, तुरंत सिग्नल भेजेगा रिले को कि भैया मामला गड़बड़ा गया, और तुरंत जो है दूसरा सर्किट ब्रेकर को या इसी पर्टिकुलर सर्किट ब्रेकर के इंटरप्टर को खोल दिया जाएगा। समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो हेल्दी कंडीशन, ये बात हो रही है हेल्दी कंडीशन की, तो सीटी क्या करते हैं, सीटी यहाँ पे भी मॉनिटर करते हैं। इसीलिए क्या है कि फॉर फास्ट एक्टिंग प्रोटेक्शन के लिए कि भैया अगर फॉल्ट हो गया, अगर यहीं पे आर्किंग हो गई मेटल इंटरप्टर, ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं इनकी ग्राउंड से, तो ऐसे केस में इंटरप्टर सर्किट को तुरंत ओपन करने के लिए भी यहाँ पे सीटी लगे होते हैं। तो ये सीटी तुरंत सिग्नल रिले को भेजेंगे कि भैया कहीं और फॉल्ट नहीं हुआ है, सर्किट ब्रेकर के अंदर ही फॉल्ट हो गया है, तुरंत ही रिले ऑपरेट हरकत में आ जाएगी और ये जो इंटरप्टर है इसे नीचे करके सर्किट ब्रेकर को ओपन कर दिया जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए सीटी हम लोग साथ में लगाते हैं। लेकिन अगर लाइव टैंक की बात करें तो लाइव टैंक में कोई दिक्कत ही नहीं है। लाइव टैंक में क्योंकि ये जो लाइव टैंक है ये ग्राउंडेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं होता है कि भाई मेटल बॉडी और ना मेटल बॉडी है, क्योंकि यहाँ तो हमने बुशिंग यूज़ कर रखी है, तो इसलिए इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। तो ये सारी चीज़ों का अंतर हो जाता है, इसीलिए यहाँ सीटी यूज़ करेंगे और यहाँ यूज़ नहीं करेंगे साथ में। ठीक है। अच्छा, ये अब भाई इतना ज़्यादा तामझाम डाला हुआ है तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और ये चीपर होता है, ऑब्वियस ही बात है, ये सस्ता पड़ेगा। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक्स्ट्रा SF6 चाहिए होती, क्योंकि मेटल टैंक को भी तुम्हें आइसोलेट करना है, इंटरप्टर को तो करना ही करना है, मेटल टैंक को भी मतलब यहाँ पे आर क्वेंचिंग के लिए तो चाहिए चाहिए इंटरप्टर सर्किट में, लेकिन मेटल टैंक को भी तुम्हें क्वेंच करना है, सॉरी मेटल टैंक को भी प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए एक्स्ट्रा SF6 भरी जाती है। ठीक है। और इसके अंदर लेस SF6, केवल इतने एरिया में हमें SF6 की ज़रूरत है, या अगर मान के चलते हैं थोड़ा बहुत एरिया बढ़ाओगे भी, पर फिर भी हमें केवल आर क्वेंचिंग है यहाँ पे जो SF6 चाहिए, SF6 उसकी चाहिए हमें रिक्वायरमेंट केवल आर्क क्वेंचिंग, और यहाँ पे जो SF6 चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट है आर्क क्वेंचिंग प्लस मेटल प्रोटेक्शन, मेटल बॉडी प्रोटेक्शन। तो मेटल बॉडी के लिए भी इंसुलेशन, मेटल बॉडी इंसुलेशन, तो उसके लिए भी चाहिए तो डबल। तो इसीलिए क्या होता है, बल्क SF6 और बल्क ऑयल। तो जो आपने देखा होगा ऑयल सर्किट ब्रेकर दो तरीके के होते हैं ना, मिनिमम ऑयल एंड बल्क ऑयल। तो ये जो बल्क ऑयल होते हैं ना, ये यूज़ होते हैं डेड टैंक में, और मिनिमम ऑयल जो होते हैं ये यूज़ होते हैं आपके लाइव टैंक में। तो कोई पूछ ले कि भैया अच्छा ठीक है ऑयल सर्किट ब्रेकर मिनिमम और बल्क वाले, तो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर हमेशा लाइव टैंक में यूज़ करो, क्योंकि वहाँ तो देखो इतना से एरिया के हमें ज़रूरत है जहाँ पे इंटरप्शन हो रहा है। लेकिन जब बल्क ऑयल की बात करते हैं तो बल्क में पूरा हमें, क्योंकि हमें पूरा टैंक भरना है, तो बल्क ऑयल चाहिए। ऐसे ही SF6 में भी दो कैटेगरी बना सकते हैं हम लोग, मिनिमम SF6 एंड बल्की SF6। तो बल्क में कब चाहिए होगी, जब डेड टैंक की बात करेंगे, और मिनिमम कब चाहिए होगी, जब लाइव टैंक की बात करेंगे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। तो अच्छा, फिर इतने सारे महंगा है, सब कुछ है, तो यूज़ क्या है? तो मेनली सूटेबल होता है ऐसे एरिया में जहाँ पे फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि देखो ये रखा होता है ज़मीन पे, और इसके मेटल कॉन्टैक्ट भी जो होते हैं वो हमने ज़मीन से कर रखे होते हैं। तो क्योंकि ये बिल्कुल ज़मीन पे रखा होता है, हाई पोटेंशियल पे नहीं होता है, तो अगर अर्थक्वेक कुछ भी आएगा तो यार अगर कोई चीज़ ज़मीन पे ही रखी तो क्या गिरेगी। ठीक है, तो ये सेफ़ है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं लाइव टैंक की, तो लाइव टैंक क्या होते हैं, पर्टिकुलरली हाइट पर रखे जाते हैं, एक हाइट मेंटेन, ग्राउंड क्लियरेंस मेंटेन किया जाता है। तो अब ऐसे में अगर अर्थक्वेक आता है तो ऐसे में तो ये टावर गिरेगा भाई, कोई हाइट पे तो चीज़ गिर सकती है, तो इसलिए ये मोर प्रोन होते हैं अर्थक्वेक के। ठीक है, जबकि ये क्या होते हैं, अर्थक्वेक के प्रोन नहीं होते, क्योंकि ज़मीन पे रखे होते हैं यार, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। सो दैट इज़ द एडवांटेज। ओके, अच्छा लाइव टैंक कहाँ देखने को मिलेंगे? तो मेनली देखने को मिलते हैं आउटडोर सबस्टेशन में, या कह सकते हैं एयर इंसुलेटेड स्विच गियर में, AIS। ये भी मैंने जब स्विच गियर पढ़ाया था तो वहाँ बताया था एयर इंसुलेटेड स्विच गियर, जहाँ पे एयर से ही हम लोग कंपोनेंट टू कंपोनेंट का इंसुलेशन देते हैं। ठीक है, और ये कहाँ यूज़ होते हैं डेड टैंक? तो ये मेनली यूज़ होते हैं GIS सबस्टेशन में, यानी कि इंडोर, आउटडोर में भी होते हैं, लेकिन मेनली बात कर रहा हूँ मेनली, यूज़ तो कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन मेनली प्रेफर करे जाते हैं इंडोर, या कह सकते हो GIS मतलब गैस इंसुलेटेड। ये भी मैंने पढ़ाया था, आपने याद होगा, लेक्चर देखा होगा स्विच गियर में, टाइप्स ऑफ स्विच गियर। तो गैस इंसुलेटेड जहाँ स्विच गियर होता है, जहाँ से हम गैस से कंपोनेंट टू कंपोनेंट सेपरेट करते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। तो लेक्चर अगर पसंद आया होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा, बहुत मेहनत से तैयार करा है, काफ़ी स्टडी लगी है, क्योंकि मेरे को आपको इस लेक्चर में सारा SSC JE लगभग मैंने कवर कर दिया है, डिटेलिंग में ना जाके, क्योंकि डिटेलिंग स्विच गियर में कवर करनी है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके SSC JE के, वो मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश करी है, AE JE लेवल की। और बाकी जो है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसकी PDF चाहिए तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ सेंड कर दूंगा थोड़े दिन में। और प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए भी आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है। ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। नाउ सबस्टेशन सीरीज में मज़ा आ रहा होगा, अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो यार लोगों को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।